सनसनीखेज खुलासा हम आपके सामने कर रहे हैं। रूस की सेना को लेकर सबसे बड़ा खुलासा यह है, पुतिन के कमांडर का लड़ो या मरो का आदेश, यह रिपोर्ट के जरिए दावा। मेल ऑनलाइन के जरिए इस बात का जो दावा है वो किया गया है उसकी रिपोर्ट के जरिए। यह सनसनीखेज दावा कि करो या मरो, ये रूसी कमांडर की तरफ से फ्रंट लाइन पर जो जवान इस वक्त लड़ रहे हैं, गन पॉइंट पर, फ्रंट लाइन पर लगातार भेजे जा रहे सैनिक ये बोलकर, या तो लड़ो, या तो फतह हासिल करो, या फिर मर जाओ। एक रूसी सैनिक के हवाले से मेल ऑनलाइन की जो रिपोर्ट है उसके जरिए इस बात का बड़ा खुलासा हो रहा है। तो पुतिन का खूंखार कमांडर सनसनीखेज खुलासा क्या हो रहा है, किस तरह से गन पॉइंट पर भेजा जा रहा है लड़ने के लिए, आप समझिए। डिप्टी कमांडर कर्नल एलिया इवानोव इनका नाम है और इन पर आरोप क्या लग रहा है, सोर्स क्या है, मेल ऑनलाइन और वो एक जवान के मेल के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंड बैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंड बैग को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक है उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गन पॉइंट पर सैनिकों को बॉर्डर पर भेजा जाता है, यह इस बात का खुलासा। डिप्टी कमांडर का आदेश, जंग लड़ो या फिर मरो, यह क्लियर कट बोल दिया गया है। और साथ ही कलिनिन ग्राद के एक सैनिक के हवाले से दरअसल मेल ऑनलाइन की तरफ से यह खुलासा किया गया। एक सैनिक ने खुद बताया कि किस तरह से फ्रंट लाइन पर भेजा जा रहा भगोड़े सैनिकों को, तोप से उड़ाने का चश्मदीद है ये जवान, ये सब हो रहा है इस बात का दावा जवान कर रहा है। सैनिकों को बॉर्डर छोड़ने से रोकने के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही। संजय भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे है कि लगातार हम प्रोपेगेंडा की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मेल ऑनलाइन की तरफ से एक सैनिक के हवाले से इतनी बड़ी बात कहना, ये क्या है और ये कितना, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये तो वाकई में एक अलग ही बात बता रहा है कि किस तरह से रूस में टॉर्चर किया जा रहा है सैनिकों को। देखिए सीधी बात है, दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है। पहली बात कि प्रोपेगेंडा होना, निश्चित रूप से प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। दूसरा कि करो और मरो की हालात तो रशिया के सामने है, रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जब तक अगर वो लड़ेंगे नहीं तो कैसे जीतेंगे। नहीं, ये भी बोल रहे हैं कि तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया जाता है। जी जी बिल्कुल, क्या भारद्वाज सर बोला जा रहा है कि तोप के सामने ताकत अगर कोई भागता है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक बात जरूर है कि इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि जो व्यक्ति क्रिमिनल्स, जो सैनिक क्रिमिनल्स थे जिन पे केस चल रहे थे, उन सबको विड्रॉ कर लिया गया और अभी जो प्राइवेट जो उनकी मशीनरी आर्मी है वैगनर, उसमें कुछ लोगों को जोड़ दिया गया। तो युद्ध में लड़ने के लिए हर तरीके के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, तोप से नहीं उड़ाया जा रहा, ये प्रोपेगेंडा है। और इसीलिए अभी तक रशिया नियमित रूप से कॉन्स्टेंटली ऑफेंसिव रूप से वॉर कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप हैंड बैग बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने हैंड बैग को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।